Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Alaikum students. Welcome to ESF E-learning program. Miss Sashta is here. Class six, subject computer. Today we will start the chapter number two, computer crime and security. Let's have a view of the chapter through a mind map. Computer crime and security include computer crime, cyber crime, phishing, hackers and hacking, spam, fill in the blanks, and activity. के लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज़ कंप्यूटर क्राइम कंप्यूटर क्राइम इज़ इलीगल और अनऑथोराइज एक्टिविटी विद द डाटा ऑन द कंप्यूटर इज एक्सेस्सस्ड विदाउट परमिशन यानी कि हर वो क्राइम कंप्यूटर क्राइम कहलाता है जिसमें आप किसी के डाटा को जो उसके कंप्यूटर में मौजूद है गलत तरीके के लिए इस्तेमाल करते हैं गलत मकासद के लिए या विदाउट परमिशन किसी के भी डाटा को आप जो है वो यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द कंप्यूटर क्राइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्राइम होती है कंप्यूटर इज यूज एज सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को एज ऐबजेक्ट और इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है डीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर क्राइम्स ना क्वेश्चन नंबर थ्री वट इज़ द साइबर क्राइम फर्स्ट ऑफ आर यूनिट टू नो कि साइबर क्राइम और अ कंप्यूटर क्राइम में क्या फ़र्क होता है तो कंप्यूटर क्राइम में सिर्फ वो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपके कंप्यूटर से रिलेट करती हैं लेकिन साइबर क्राइम में आपका इंटरनेट और कंप्यूटर दोनों आ जाते हैं अब इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं वो नेट पे हम लोग मोबाइल के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं आपने डिफ़रेंट टाइप का सुना होगा कि डिफरेंट फेक प्रोडक्ट्स जो है वो सेल परचेज़ की जाती हैं उसके बाद लोग फ़ेक आईडी बना के दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं उसके बाद डिफरेंट जो है वो फ़ेक जो होते हैं हमारी सेलिंग एंड परचेजिंग होती है एसेट्स की जायदाद वगैरह की तो ये तमाम जो है वो साइबर क्राइम का हिस्सा होता है और इसके लिए जो है वो साइबर क्राइम के रूल भी बने हुए हैं जो कि साइबर क्राइम का मुरतकब होता है उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सज़ा भी दी जाती है सो देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम हैकिंग कंप्यूटर वायरस स्पैम फिशिंग साइबर फ्रॉड आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फार्मिंग हे आर फ्यू डेफिनेशन नंबर वन इज़ द कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर वायरस क्या होता है कि एक ऐसा वायरस होता है जो कि दूसरे जिस कंप्यूटर में वायरस है उस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है लाइक like अगर आपने किसी की यूएसबी यूज़ की जिसके अंदर वायरस था और वही अगर यूएसबी जो है इन्फेक्ट यू आप अपने कंप्यूटर में लगा लेते हो तो वो वायरस वहाँ से ट्रांसमिट होकर आपके कंप्यूटर में आ जाता है इसके अलावा आप लोग नेट से भी कुछ ऐसे गेम्स वगैरह करते हो डाउनलोड वहाँ से भी जो है वो डाटा या वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर में मुंतकिल हो जाता है third one is phishing. phishing is a term that is used to describe the act of trying to get private information from the person. समटाइम आपने ये सुना होगा कि आपके मोबाइल्स पे कॉल आती है कि जी मैं फ्लाम बैंक से बात कर रहा हूँ या किसी फ्लाम ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ आप अपना पर्सनल डाटा जो है वो आपका रिक्वायर्ड है कभी भी किसी को अन नोन नंबर से जो भी आप कॉल आए आप उसको जो है वो कभी भी अपना पर्सनल डाटा ना दीजिए लाइक अपना नाम फ़ोन नंबर अपना आई कार्ड नंबर ये लोग फेक तरीके से जो है वो आपका ले लेते हैं और फिर उसको इ लीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं नंबर फोर साइबर फ्रॉड एनी टाइप ऑफ प्लान ट्रिक यूज फॉर अन दैट इज़ डन थ्रू द इंटरनेट लाइक फॉर्स ऑनलाइन बाइंग ऑफ प्रोडक्ट ये बहुत ज़्यादा आजकल के दौर में हो रहा है कि ऑनलाइन जितना भी ऑनलाइन शॉपिंग का जब से ट्रेंड बढ़ा है उतनी ही इसके अंदर जो है वो फेक प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड परचेजिंग की जाती है तो ये साइबर फ्रॉड कहलाता है क्वेश्चन नंबर फाइव डिफरेंस बिटवीन द हैकिंग एंड हैकर सब लोगों ने हैकर के वर्ड आप में से बहुत सारे बच्चों ने सुना हुआ होगा हैकिंग क्या होता है एक एक्ट ऑफ हैकिंग इनटू कंप्यूटर टू गेन अनअराइड एक्सेस ऑफ़ द यूज़र अकाउंट हैकिंग के थ्रू जो है वो किसी भी यूजर के अकाउंट की अन जो है वो उसको एक्सेस की जाती है उसके बाद हैकर जो होते है, तो हैं हैकर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं एक जो होते हैं डिफरेंट कंपनीज जो होती हैं वो भी अपने हैकर जो है वो उनको जो है वो उनकी सर्विसेज लेती हैं ताकि वो हैकर उस कंपनी को बता सकें कि उनके जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा रहे हैं उसको कोई खतरा तो नहीं है या उनके सॉफ्टवेयर में कोई ऐसे लूस तो नहीं है जो कि उनकी सिक्योरिटी के लिए खदशा हो सकते हैं तो हैकर दो किस्म के होते हैं एक तो पॉजिटिव वे में जो कंपनी खुद परचेज़ करती हैं और कुछ जो हैकर होते हैं जैसे अपने गेम्स के हैकर होंगे दूसरों के यूज़र अकाउंट के हैकर होंगे तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं हेयर इज़ अ नोट ऑन द कंप्यूटर सिक्योरिटी कंप्यूटर सिक्योरिटी मीन आप अपने कंप्यूटर किस तरह स्योर और महफूज बना सकते हो इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग इीगल यूज़ ऑफ द कंप्यूटर यानी कि आप अपने कंप्यूटर को गलत इस्तेमाल होने से बचाते हैं उसके बाद हैकर से बचाते हैं अटैकर से बचाते हैं किसी किस्म का वो आपके कंप्यूटर को डैमिज ना कर दें सिक्योरिटी इज टू मेक श्योर दैट इंफॉमेशन पैदर इन द कंप्यूटर इज़ नॉट एक्सेसबल टू दिक्योरिटी इस चीज़ को यकीनी बनाती है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो किसी भी अनऑथराइज यूज़र की रेंज में नहीं है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द इनफॉर्मेशन शेयर ऑन द कंप्यूटर फ्राम थेफ्टन और डैमेज सिक्योरिटी जो है वो आपके कंप्यूटर को बचाती है चोरी से करप्शन से और आपके डाटा को डैमेज होने से हेयर आर द फ्यू टिप्स विच रिलेट्स टू यूर कंप्यूटर सिक्योरिटी क्रिएट यूजर आई डी जब भी आप लोग कंप्यूटर यूज़ करें जो कि एक लोग एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो हर यूज़र को चाहिए कि अपनी पर्सनल आई डी बनाए की पासवर्ड रखें बी वेरी केयरफुल अबाउट डाउनलोडिंग एंड इंस्टालिंग प्रोग्राम फ्राम द इंटरनेट इंटरनेट से जो भी आप डाउनलोडिंग इंस्टॉल कर रहे हैं प्रोग्राम हर अन नोन वेबसाइट्स को मत खोलें या गेम्स को मत खोलें उनके अंदर वायरस होता है यूज़ लेटेस्ट एंटी वायरस सॉफ्टवेयर हमेशा अपने कंप्यूटर में एंटी वायरस रखें जो आपके कंप्यूटर को स्कैन करता रहे और ऐसी यू एस बी जो कि वायरस इफेक्टेड हो या उससे पहले आप उसको स्कैन करवा लें फ्लैश ड्राइव को या फ्लॉपी डिस्क को यू एस बी को कभी भी इन्फेक्ट यू एस बी वगैरह अपने कंप्यूटर में ना लाएँ वापो कंप्यूटर को डैमेज कर देगी और वायरस को ट्रांसफ़र कर देगी हेयर आर द फ्यू फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स डू ऑल दिस वर्क इन योर नोटबुक सी यू टिल देन अल्लाह हाफिज़